नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां किसानों को केंद्र सरकार की सौगात, गेहूं, सरसों और मसूर के एमएसपी में दी बढ़ोतरी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़ी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुँच सकें। कॉमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए गेहूं की एमएसपी में 40 रुपये की बढ़ोतरी की है। नई कीमत अब 1975 रुपये से बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। सरसों और मसूर की एमएसपी में 400-400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद फसलों के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। इनके मुताबिक गेहूं की एमएसपी में 40, चना की एमएसपी में 130 और सरसों की एमएसपी में सबसे अधिक 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी में उस वक्त बढ़ोतरी की घोषणा की है जब देश के किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों की मांग की है कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी गारंटी चाहते हैं। जबकि सरकार साफ कह चुकी है एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा और आज एक बार फिर रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने रबी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गेहूं के समर्थन मूल्य में 40, जौ के एमएसपी में 35, चना में 130, मसूर व सरसों में 400 और सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 114 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।